लोगों को अगर अपना घर छोड़ना पड़े इस प्रकार की स्थिति भी अगर पैदा होती है तो सरकार अलर्ट है, जो स्थानीय प्रशासन है उनको भी अलर्ट पे रखा गया है, पर फिलहाल ऐसे कोई जान हानि के समाचार फिलहाल नहीं है। तेज हवाएं जो है वो दरियाई इलाके जो है सोमनाथ से लेकर पोरबंदर से लेकर द्वारका तक देखी जा रही है। द्वारका की भी अगर बात की जाए तो लगभग 425 किलोमीटर की दूरी पर ये साइक्लोन अभी है और 14 तारीख के आसपास ये साइक्लोन जो है अपनी जो गति है और भी बढ़ाएगा और भी गुजरात के जो तटीय इलाके हैं उसके करीब आ सकता है। पर फिलहाल कहा जा सकता है कि सोमनाथ के अंदर की अगर बात करूँ तो तेज हवाएं हैं, पर फिलहाल परिस्थितियां और रेजिडेंशियल इलाकों की भी बात करूं तो परिस्थितियां जो हैं वो कंट्रोल में है। समयांतर जो बूंदाबांदी है वो सोमनाथ और पोरबंदर के इलाकों में देखी जा रही है। जो साइक्लोन के जो इफेक्ट होते हैं खास करके तेज बारिश होना, जो पेड़ है हमने भूतकाल में भी देखा है कि पेड़ धराशायी हो जाते हैं, ऐसी स्थिति फिलहाल गुजरात के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। पर जो द्वारका के इलाके हैं, कुछ ग्राम्य विस्तार हैं, कुछ ग्राम्य इलाके हैं जहाँ से कुछ लोगों का जो स्थानांतरण है वो कराया गया है। Z News.